गुड इवनिंग गाइस, दिन का तीसरा वीडियो हमारा, हम आ गए हैं आप लोगों के लिए लेकर पॉलिटिकल साइंस। टोटल 17 क्वेश्चन है इसमें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो नए व्यूवर्स हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए हों चाहे वो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर ज़रूर हिट करना, ठीक है, भूलना मत। पहला प्रश्न है, भारत में सर्विस टैक्स है, ए बढ़ता हुआ कर, सॉरी कर, बी प्रत्यक्ष कर, बी सी अप्रत्यक्ष कर, डी घटता हुआ कर। राइट आंसर इज सी, अप्रत्यक्ष कर। दूसरा प्रश्न है, वह आयोग जिसे 1 जनवरी 1979 को स्थापित किया गया था, जिसने भारत के पिछड़े वर्ग के मुद्दों को संबोधित किया है, कौन सा है? ए नरेंद्र आयोग, बी कालेकर आयोग, सी मंडल आयोग, डी रामनंदन प्रसाद समिति। राइट आंसर है सी मंडल आयोग। तीसरा प्रश्न है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति सूची से कौन सी जनजाति भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाली है? ए भील, बी आगरिया, सी गोंड, डी कुलिया। राइट आंसर इज ए भील। चौथा प्रश्न है, इस समाज द्वारा निम्न में से कौन से महिला कार्य को सबसे कम आंका जाता है? ए पाक कला, बी कृषि कार्य, सी घर की सफाई देखभाल करना, डी बागवानी। राइट आंसर इज सी घर की सफाई और देखभाल करने का कार्य। पांचवा प्रश्न है, आकस्मिक आधार शब्द का क्या अर्थ है? ए अंशकालिक नौकरी में काम करना, बी एक शौक के रूप में नौकरी लेना, सी मजदूर नियोक्ता की जरूरतों के अनुसार नियोजित किए जाते हैं या हटाए जाते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी मजदूर नियोक्ता की जरूरतों के अनुसार नियोजित किए जाते हैं और हटाए जाते हैं। छठा प्रश्न है, स्थायी श्रमिकों के लाभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए पेंशन, बी आवास, सी अवकाश, डी चिकित्सा सुविधा। कौन सा सही नहीं है? ओके, राइट आंसर इज बी आवास। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प भारत से संबंधित उच्च न्यायालयों की स्थापना की तारीख से सही ढंग से मेल खाता है? ए बॉम्बे उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1862, दूसरा है दिल्ली उच्च न्यायालय 22 जुलाई 1862, तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862, डी है कलकत्ता उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862। राइट आंसर है डी कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में की गई थी। आठवां प्रश्न है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? ए 73वां संशोधन, बी 86वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। राइट आंसर इज ए 43वां संशोधन। नवा प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर इज ए राष्ट्रपति। दसवां प्रश्न है, कौन सा भारत का कानून बनाने वाला निकाय है? ए न्यायपालिका, बी कार्यपालिका, सी विधायिका, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी विधायिका। ग्यारहवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम में एक है सिकंदराबाद, राष्ट्रपति भवन दूसरा कौन सा है? मतलब भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत में एक विश्राम धाम सिकंदराबाद का है, दूसरे का नाम आपको बताना है। ए सबलपुर ओडिशा का रिट्रीट भवन, बी खंडवा मध्य प्रदेश का रिट्रीट भवन, सी भागलपुर बिहार का रिट्रीट भवन, या फिर डी शिमला में स्थित मशोबरा का रिट्रीट भवन। राइट आंसर है डी शिमला में स्थित मशोबरा का रिट्रीट भवन। बारहवां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में उपलब्ध क्षेत्राधिकार का एक प्रकार नहीं है? ए आर्थिक क्षेत्राधिकार, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, डी न्यायिक क्षेत्राधिकार। राइट आंसर है डी न्यायिक क्षेत्राधिकार। तेरहवां प्रश्न है, कौन से देश ने सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार दिया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। राइट आंसर इज सी न्यूजीलैंड। चौदहवां प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेश यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? ए बांग्लादेश, बी जापान, सी भूटान, डी नेपाल। राइट आंसर है बी जापान। पंद्रहवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ए अनुच्छेद 213, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 108, डी अनुच्छेद 200। राइट आंसर है डी अनुच्छेद 200। सोलहवां प्रश्न है, चुनावों में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावी होती है? ए उम्मीदवारों वापस लेने की अंतिम तिथि से, बी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से, सी अधिसूचना की तिथि से, डी नामांकन भरने की अंतिम दिन से। राइट आंसर है बी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। सत्रहवां प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है ए अप्रैल से, बी जून से, सी जनवरी से, डी अक्टूबर से। राइट आंसर इज ए अप्रैल से। Thank you for watching this guys. Watch our next video at tomorrow 5 AM. 5 बजे मिलेगा करंट अफेयर का। इसके अलावा इस वीडियो की जो डिटेल है वो ये है कि मंडे टू फ्राइडे एज इट इज जो हमने कहा था क्विज होगा और सैटरडे को रिविजन होगा, तो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का तो सेम होता है इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट क्योंकि शाम के 5 बजे टॉपिक सारे अलग होते हैं तो उसका रिविजन के लिए अलग अलग वीडियो नहीं होगा। मंडे टू फ्राइडे जितने भी हम शाम के 5 बजे लेंगे लाइक पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर जनरल साइंस, उन सभी का एक ही वीडियो में रिवीजन होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अलग अलग फील्ड से रिलेट करते हैं उन सभी को एक ही वीडियो में प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। सो
सो देखना ना भूलिएगा, रिवाइज ज़रूर करिएगा अपने क्वेश्चंस को और हमारे साथ बने रहिए। जो भी नए व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे ज़रूर हिट करिएगा।